वेलकम बैक टू लर्न विद परी, मैं हूँ परी। सो फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार मम्मी पापा के साथ एक बहुत मजेदार गेम खेलने वाली हूँ और उस गेम का नाम है Who Knows Me Better। देखते हैं मुझे कौन अच्छे से पहचानता है। कुछ डाउट है परी? वो तो पापा ही है। अच्छा, देखते हैं फिर। मम्मी भी किसी से कम नहीं है, है ना परी? But अच्छा, पता चलेगा, देखते हैं। और इस गेम का रूल्स पापा बोलेंगे। ओके, तो परी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है और ये क्या क्वेश्चन है वो परी को भी नहीं पता। मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो इसमें से परी एक चीट उठाएगी। वो क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। ओके ओके, और उसका आंसर हम लोग यहाँ पे स्लेट पे लिखेंगे। ओके ओके, कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, लेकिन मैं बीच में हूँ। मेन सारा परी का बचपन वाला स्लेट अभी यूज हो रहा है। ये जो स्लेट है जिसका आंसर परी के साथ मैचिंग होगा उसको 10 पॉइंट मिलेगा। अगर थोड़ा आसपास होगा भी तो पॉइंट मिलेगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, अगर थोड़ा 19-20 होने से भी पॉइंट मिलेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो गेम शुरू करें। यस, लेट्स स्टार्ट। आई एम सो एक्साइटेड। चलो पहला क्वेश्चन परी। ये वन। ओके, लाओ मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो परी का पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो परी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है इसमें। ओह, लेट्स गो। मेरा फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है? ओके, तो फिर दिखाए। रेडी? हाँ। 1, 2, 3, गो। किसका करेक्ट है? वेनिला। मैंने बटरस्कॉच। परी तुमको वेनिला पसंद था ना? नहीं, परी हमेशा यही खाती है। मैं हमेशा यही खाती हूँ। तो मम्मी को 10 पॉइंट। ठीक है, वाह मम्मी, कोई बात नहीं, मम्मी को पता चल गई है। ये परी यही खाती है या पर कभी कभी मैंगो फ्लेवर खाती है। हाँ। मैं मैंगो सोच रहा था। हाँ। बट मुझे लगा अभी लास्ट टाइम हम गए थे तो परी वेनिला बोली, तो मैंने वेनिला इसे। लेकिन ये वाला ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। मैंगो मेरा ओके 50%। हाँ, मैं खाती हूँ तो उसके साथ परी भी खा लेती हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी को 10 पॉइंट। बहुत मजा आया फर्स्ट राउंड में। हाँ। पापा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में आप जीत जाओगे। क्लीन कर लो। नेक्स्ट चिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन। अगर तुम्हें अपना नाम बदलने का ऑप्शन दिया जाए तो तुम अपना नाम क्या रखोगे? ठीक है, मुझे मेरा खुद का नाम ही पसंद है, मुझे पहले सोचना पड़ेगा। हाँ, तुमको नाम बदलना है, कोई दूसरा नाम। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, सो डिस्क्लोज करें। हाँ। ये मैंने लिखा है, क्या है परी? डॉल। क्या है ये? लवली। लवली। मुझे लगा आरू। मैंने भी आरू लिखा। आरू बोल के भी एक नाम है मेरा। परी भूल गई? भूल गई। परी को तो ये नाम बहुत पसंद है। हमेशा बोलती है परी। मुझे पसंद है यार, मैं भूल गई। जब परी पैदा हुई तो हमने यही नाम सोचा था परी का रखने के लिए। लेकिन पापा ने पहले ही स्टार्टिंग में परी बोल दिया तो उसी नाम से चल गया। लेकिन मैंने दिया था आर्यू। हाँ। मतलब उनके नाम और मेरे नाम से करके आर्यू दिया था। आशुतोष। हाँ, आर से रूबी। हाँ, मुझे आर्यू याद नहीं आया। तो चेंज नहीं कर सकते तो परी को ये। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लवली, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना ये। परी को हमेशा ये नाम बुलाना अच्छा है। कोई नहीं, मम्मी को 0 पॉइंट मिला ना। आपको भी 0 मिला। मुझे भी 0 मिला। ठीक है, चलो। तो दोनों को 0-0 पॉइंट मिला परी। ठीक है, मम्मी पापा दोनों को 0 पॉइंट मिला। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मम्मी को 0 पॉइंट मिला। मम्मी को ज्यादा खुशी हुई कि आपको 0 पॉइंट मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाला परी, थर्ड क्वेश्चन क्या है? परी बेटा तुम इसको ऐसे रख सकते हो। हाँ, इधर ऐसे रख सकते हो। चलो देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ। ओके, और एक हिंदी क्वेश्चन। जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता है और तुम अकेले होती हो तो तुम क्या करती हो? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो। सबने लिख दिया? लिख लिया। मैंने भी लिख दिया। चलो चलो दिखाओ। क्या है? मैंने टीवी लिखा है। मैंने कार्टून लिखा है, वही एक ही बात। सेम है, सेम है। टीवी। और टीवी में परी कार्टून ही देखेगी। कार्टून ही देखती है। तो सबको, मम्मी पापा दोनों को पता है। हाँ, दोनों को मिल गया। तो मेरे को 10 पॉइंट मिला। क्योंकि परी बोर होगी तो फिर वो अकेले डरेगी
पहली बात है वो डरेगी तो फिर उसको चाहिए कि आसपास थोड़ा सा आवाज हो तो फिर वो टीवी लगा देगी। टीवी या तो मैं वो तो आदू का राइम्स भी देखती है। हाँ मतलब टीवी में उसको कुछ भी चलेगा इसलिए मैं सोची कि टीवी ही बोल देती हूँ। या तो मैं टीवी देख लूंगी या फिर 50-50 ड्रॉइंग नहीं है मेरा क्योंकि उसमें मेरे मैंने तो ज्यादातर देखा है तुम अकेली होती हो तो टीवी ही लगा के बैठ जाती हो। मतलब आसपास कोई हो तो फिर वो अकेली बोर होती है तो फिर चलता है चलता है तो अकेली डरेगी वो। नेक्स्ट है लेट्स टेक इट अप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बलांगीर और बेंगलोर मतलब तुमको कौन सा ज्यादा पसंद है अगर तुमको रहना है बलांगीर और बेंगलोर तो तुम कहाँ पे रहोगी? ठीक है बोलना नहीं है लिखना है। ठीक है ठीक है कोई देख तो नहीं रहा है ना। ओके डन परी डन। इतना बोर क्यों हो रही है? हाँ। ये यही है यही है बलांगीर क्योंकि परी हमेशा बलांगीर बलांगीर करती रहती है तो उड़ीसा। हाँ तो चलो बेटा मुझे भी बलांगीर जाने का मन है। ठीक है चलो वहीं पे नाम लिखा क्योंकि जो कोरोना के टाइम परी जितना दिन रही है ना वो दिन का हाँ बहुत मिस किया है वो प्रियांशी दीदी के साथ वो मस्ती वो सब इसीलिए परी हमेशा बोलती है कि बलांगीर हम फिर कब जाएंगे मम्मी कोरोना के टाइम यही थोड़ा अच्छा था। मुझे लगा बेंगलोर में परी के बहुत सारे फ्रेंड है तो इसीलिए बेंगलोर होगा। वो तो है लेकिन बलांगीर का मुझे ना 99% मुझे वो ही पसंद है हाईएस्ट। ठीक है अभी समर पे हम जाएंगे ना वहाँ पे एक दो महीना रहेंगे बहुत मजे करने वाले प्रियांशी दीदी भी आएंगे तो बहुत मस्ती होगा कुछ ज्यादा ही। ठीक है ओके तो परी अभी स्कोर कितना हुआ है? मम्मी को 20 पॉइंट और आपको 10 पॉइंट। अभी भी बहुत क्वेश्चन है जीतने वाला तो मैं ही हूँ। अच्छा चलो देखते हैं। ठीक है चलो देखते हैं ये क्या है। वाओ व्हाट इज माय फेवरेट नॉन डोमेस्टिक एनिमल मतलब वाइल्ड एनिमल मतलब वाइल्ड एनिमल परी का फेवरेट क्या है? हाँ लिखो 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 मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। ओके देखते हैं हो गया मैंने भी लिख दिया डन। दोनों का करेक्ट है ना परी सेम है ना? मुझे नहीं पता ये मैंने ये लिखा है ये हाथी। रॉन्ग दिखाओ तुमने क्या लिखा? फॉक्स। फॉक्स आई लव और मैंने बियर लिखा है। बियर लिखा है बियर तो मुझे कतई बिल्कुल पसंद मुझे लगा मासा एंड बियर परी देखती है तो बियर पसंद होगा मुझे बियर बिल्कुल और मुझे लगा वो जंगल बुक में परी हाथी को ज्यादा पसंद करती है तो इसलिए हाथी वो क्यूट है बोल के इसलिए लिखी है। ठीक है इसमें पापा मम्मी दोनों को जीरो दोनों को फेल दोनों फेल 0-0 पॉइंट। चलो नहीं बेटा ये तो मेरे लिए मुश्किल था थोड़ा मुझे लगा परी ने आज डिसाइड किया होगा ये नहीं पहले से था। हाँ यहाँ पर कभी सोची नहीं सॉरी मम्मी मम्मी ब्लैक मिर्च चौक लग गया। ठीक है कोई बात तो परी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो 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 ये वाला तो ये वाला भी एक हिंदी क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा जानवर है जो तुमसे मिलता जुलता है? कौन सा जानवर है? नहीं बस एक ही लिखना पड़ेगा सबसे ज्यादा। हाँ। चलो लिखो तो परी तुम कौन से मतलब क्या था क्वेश्चन? कौन सा एनिमल मेरे से ज्यादा मिलजुलता है? कौन सा एनिमल तुमसे ज्यादा मिलता जुलता है? मेरे दो है ये रैबिट। अरे हाँ वो जो दो है ना वो बर्ड और रैबिट था। बर्ड और रैबिट और बर्ड तो एनिमल नहीं होता ना। हाँ पर ने क्यों गलत लिखा? तो रैबिट होगा आंसर तो पापा को 10 पापा को 10 मिल गया फाइनली। मम्मी ने क्या लिखा था? किट्टी लिखा था मतलब बिल्ली। कैट्स में से कभी नहीं मिलता बिल्कुल नहीं। ये मेरी बेटी खरगोश है रैबिट जैसे दौड़ती है ना मेरी बेटी इसीलिए। अच्छा और क्या पापा को देखो पापा। मेरी बेटी किट्टी का वो जो होता है ना केट का बच्चा किट्टी बहुत क्यूट होता है तो मेरी बेटी तो क्यूट है वैसे मुझे किट्टी पसंद है लेकिन वो मेरे से कभी नहीं मिलता जुलता नहीं है। वो रैबिट है मेरी बेटी वो गाजर भी खाती है गाजर भी खाती है मेरा फेवरेट है गाजर। तो चलो पापा को 20 पॉइंट पर आज का गेम देखते हैं क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ये तो पापा का स्कोर 20 पॉइंट हो गया दोनों टाई है। ओके और एक हिंदी क्वेश्चन क्वेश्चन ये है बिना नहाए तुम कितने दिन तक रह सकती हो? ये क्या क्वेश्चन है? तो ये नंबर लिखना है कितना दिन जिसका नंबर परी के आसपास होगा ना उसको पॉइंट मिलेगा। अच्छा ठीक है ना परी का नंबर के आसपास जिसका नंबर होगा उसको पॉइंट मिलेगा। ठीक है चलो आप लिखो जल्दी। ठीक है मैंने लिख दिया परी तो परी कितना दिन नहा नहीं बिना नहाए रह सकती है? देखता है मुझे लगता है 2 दिन मेरा 0 मुझे लगा था मैक्सिमम 1 ओके तो पॉइंट किसको मिलेगा? मम्मी को।
मम्मी को क्लोज है। हाँ, क्योंकि बिना नहाना अगर मैं रहती हूँ ना तो थोड़ा मुझे खुजली होती है, तो डेली नहाना होता है। हाँ, कभी कभार अगर परी स्कूल की वजह से ऐसे मिस होता है तो, बट दो दिन तो रह सकती आने के बाद नहा लेती है मैक्सिमम। ओके, सो परी मम्मी को 30 पॉइंट, पापा को 20 पॉइंट। चलो एक आसान सा क्वेश्चन निकालो। आप रगड़ा रगड़ा को एक इजी क्वेश्चन आ जा, निकल भी गया इजी क्वेश्चन। चलो ओके, ये भी एक क्वेश्चन है हिंदी वाला। हाँ, एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े, कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े, मतलब सब्जी ऐसे टाइप का कोई भी खाना, मतलब कोई एक भी डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े, मतलब वो बताना पड़ेगा ना, फास्ट फूड में जाता कुछ भी एक डिश, मतलब वो स्वीट हो सकता है, फास्ट फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो डिश कौन सा होगा? मेरा एक स्वीट है, एक सब्जी। नहीं नहीं, बस एक ही लिखना है, तुम लिखो। मतलब एक चीज है जो तुम ऑल टाइम खा के रह सकते हो पूरी जिंदगी। हाँ, उसको खाना है, राइस चावल दाल कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब वही तुमको पूरी जिंदगी खाना है। सॉरी। हाँ? ऐसा कौन सी चीज है जो तुम पूरी जिंदगी खा सकती हो? पहले मम्मी दिखाएंगे क्या है वो। मोमोस। मोमोस मेरी क्या फेवरेट, गुलाब जामुन है। ओके, मटर पनीर। मटर पनीर, इसीलिए मैं बोल रही थी कोई स्नैक्स या फिर ऐसे टाइप का कुछ मेंशन करते तो पता चलता, कोई भी डिश हो सकता है ना। मटर पनीर परी को बहुत, परी का ये वाला भी फेवरेट है, परी का ये भी फेवरेट है, तीनों ये है। भी सेम फेवरेट है, मतलब परी का एक्चुअली तीनों वो रह सकती है, तो लेकिन उसका दिमाग में यही आया तो यही लिख दिया। पापा मम्मी दोनों को 10-10 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि परी का ये वाला भी फेवरेट है, वो वाला भी फेवरेट है, और ये भी। तो ठीक है, दोनों को 10-10 पॉइंट। तो मेरा स्कोर हो गया 30, मम्मी का स्कोर हो गया 40। 40, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप रगड़ा आप रखो, एक हार्ड क्वेश्चन आ जाए। मम्मी से अभी 10 पॉइंट पीछे हूँ मैं। ओके, तुम अपने दिल और दिमाग दोनों में से किसकी ज्यादा सुनती हो? दिल और दिमाग का, दोनों में से किसकी ज्यादा सुनती हो? मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ। तुम लिखो तो दिखाएं। पहले पापा। पहले किसका आंसर? पहले पापा। परी तो अपनी दिल की ही हमेशा सुनती है, क्योंकि दिमाग तो कम है। दिल की। हाँ, देखते हैं। दोनों की दोनों गलत है। दिमाग की ज्यादा सुनती है परी। ओह माय गॉड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक चलो। ओके, लेट्स गो। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है परी। बोलो, अगर तुम्हें कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो तुम कौन सा कार्टून कैरेक्टर बनना पसंद करोगी? इजी पीजी लेट्स पीजी। ठीक है चलो लिख। मुझे वो पता है लेकिन उसका नाम स्पेलिंग, मुझे हाँ। स्पेलिंग मेरे को भी नहीं पता, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है परी, मैंने लिख दिया। चलो पहले मम्मी दिखाएंगे इस बार क्या है। नहीं, परी माय लिटिल पोनी देखती है, उसमें से कोई एक करेक्टर है, मुझे उसका नाम बहुत डिफिकल्ट नाम है तो मुझे वो याद नहीं है। तो उस कार्टून करेक्टर, उसमें से ही एक कार्टून करेक्टर, वो एक कार्टून। हाँ ठीक, अभी मैं। हाँ ठीक, परी का तो फेवरेट मासा है, ये पहले था, अब नहीं है। पहले था, अभी आजकल देखते नहीं हो क्या है वो? माय लिटिल पोनी के अंदर ट्वाइलाइट स्पार्कल। हाँ, इसका नाम मुझे याद नहीं था। माय लिटिल पोनी का अभी तो थोड़ी देर पहले ही दिख रही थी, बट मुझे तुम्हारा मासा फेवरेट है। वो पहले था, पहले था, आजकल अब देख नहीं रहे हो, कितना देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले ही। आजकल तो वो बुबा देखती हो तुम। हाँ, बुबा भी देखती है, बट यही बहुत ज्यादा दिख रही है अभी, ये आई फेवरेट, मतलब मुझे ये नाम याद नहीं था। तो अभी मम्मी का पॉइंट कितना हुआ फिर? 50। और पापा का? 30। ठीक है चलो परी, 10 क्वेश्चन तो हो गया है और मैं जीत गई हूँ। लेकिन मम्मी पापा तो बहुत पीछे है, उनको भी तो एक चांस मिलना चाहिए। okay. दो चांस और दो मौका, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन, 10 अच्छा नंबर नहीं होता, पर ये पास लेती है। लेकिन बेटा पापा जीत गए तो, और भी देखो कितने सारे क्वेश्चन है। ओके, परी के ऑडियंस को पूछो, उनको जानना है कि नहीं कि वो क्वेश्चन का आंसर। पर तुम्हें जानना है क्या? मुझे। ओके, परी को जानना है तो इसलिए ठीक है, और दो कर लेते हैं। दो क्वेश्चन, ठीक है चलो। इस दोनों क्वेश्चन में पापा जीतना चाहिए। ओके, ये तो इजी पीजी है। व्हाट इज माय फेवरेट कलर? परी का फेवरेट कलर, देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए वो लाइट ब्लू, येलो ब्लू, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओनली ब्लू, मतलब ब्लू ऐसे। आपको कलर नहीं पता तो हम क्या करें?
लाइट पिंक, बेबी पिंक, बहुत सारे पिंक करते हो तुम लोग, ऐसा नहीं, पिंक मतलब पिंक। रेडी परी? पहले पापा, ऑल टाइम पापा ही दिखाते हैं हमेशा। पिंक परी का पिंक। मेरा स्काई ब्लू। स्काई ब्लू पिंक कब से था पापा? वो पिंक भी होता है पर स्काई ब्लू थोड़ा ज्यादा है। नहीं था, आजकल स्काई ब्लू हो गया। जब से आदि हुआ है ना तब से स्काई ब्लू। हाँ तब से हो गया है। परी तुम पापा को हरा के रहोगे मुझे लगता है। क्या पापा, क्या पापा? पता नहीं, पता नहीं। परी का टेस्ट स्काई ब्लू आपके पसंद का, आदि का पसंद की वजह से परी का ये कलर सेम हो गया उसका। हाँ। नहीं तो परी पहले पिंक पिंक ही थी, जब से आदि आया है उसका हमेशा ब्लू स्काई ब्लू होता है ना आदि का कलर, तो फिर इसलिए परी को भी वो पसंद आ गया। मुझे 30 और मम्मी का 60, 60 तो डबल हो गया मम्मी का पॉइंट। चलो तो परे गेम का लास्ट क्वेश्चन, 10 पॉइंट चाहिए पापा को। लेट्स गो। ओह माय गॉड ये तो इजी है। व्हाट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट? परे का फेवरेट सब्जेक्ट, चलो देखते हैं। अभी मैं लिखूंगा क्या बोलती है परी। तो परी रेडी? पहले मैं दिखाती हूँ। दिखाओ फिर। ठीक है क्या है? मैथ। ओके मैं भी मैथ ही लिखा हूँ। मैं भी मैथ ही लिखी हूँ। पापा ने चीटिंग कर ली क्या? नहीं नहीं नहीं, नो चीटिंग। परी का अभी स्कोर जो मैथ में ना 30 में से मुझे लगता है कितना आया है परी? 27 है परी का। तो मुझे इसीलिए लगा, इसीलिए पापा ने गैस कर लिया। मैं पीटीएम गया था ना परी का, पीटीएम। हाँ लेकिन मुझे पता है परी हमेशा मेरा मैथ मैथ करती है। तो फिर अभी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और अभी काफ़ी सारे चिप्स बचे हैं, लेकिन अभी और टाइम नहीं है। हाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ तो फिर चलो, हमारे फ्रेंड लोगों को अगर आगे भी इस तरह का वीडियो देखना है, मतलब इसका सेकंड पार्ट देखना है, तो उनको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ। तो हमको पता चलेगा कि आपको आज का वीडियो बहुत आपने एंजॉय किया, और हम इस तरह का गेम बनाएंगे और मैं भी परी का पार्ट टू बनाएंगे। तो फिर मैं विनर डिक्लेयर कर लेती हूँ। परी मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो फिर विनर है पापा। एक्चुअली नहीं, विनर है ये, वो सलमान खान बन गई क्या? बिग बॉस देखती है परी। ला 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 मम्मी। ओह नो परी। तो मम्मी को प्राइज मिलता है दो किसी। थैंक यू परी। सैड हो गए, उनको भी एक दिन का। ठीक है परी, मम्मी को दो और पापा को वन। ठीक है चलो, और एक दे दो परी। और एक दे दो क्या? ठीक है तो फिर मम्मी पापा आपको मजा आया? बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा आया। मुझे तो बहुत मजा आया। मैं भी गेम को बहुत एंजॉय किया परी। हाँ। अभी मुझे पता चला कि परी को मैं काफी जानती हूँ अच्छे से। ओके। पापा भी बहुत कुछ परी के बारे में जानते हैं, बट वो कुछ नहीं। वो क्या होता है कि परी का चेंज होता रहता है। हाँ। मतलब पापा सोच रहे हैं कि मैं परी को अच्छे से पहचानती हूँ, बट परी का ऑन द स्पॉट चेंज हो जाता है उसका हमेशा। सो फ्रेंड्स, आपको आज के वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक करना मत भूलना, और अगर आप न्यू हो चैनल पे, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। ओके तो फिर, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। हाँ। और पार्ट टू देखना है तो कमेंट पे जरूर बताना। हाँ, बट कमेंट ऑफ होता है तो वो कम्युनिटी पे आप कमेंट कर सकते हो। यस। तो फिर बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।